फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्पिप स्पीकिंग टास्क 6। सो सेल्पिप स्पीकिंग आपको पता है कि टोटल 8 टास्क होते हैं। टास्क 1 से लेकर के टास्क 5 तक वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको शुरू करना है। आज की वीडियो में हम टास्क 6 को शुरू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग टास्क 6, आज मैं आपके साथ एक रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो ये जो रिजल्ट है, ये आज ही आया है कैंडिडेट का। आप टेस्ट की डेट चेक कर सकते हैं, 18th of May, ये रिजल्ट की डेट है। और स्कोर आपके आगे है 9 9 10 9, दैट इज 9, राइट। सो ये गोल्डन स्कोर है जिसके लिए आप सब भी ट्राई कर रहे होंगे। सो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, एंड दिस इज़ द नंबर फॉर व्हाट्सएप। ओके, सो अब हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। सेल्पिप टास्क 6 जो आपके पास आता है, एज द टाइटल सेज, डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या होता है कि वो आपको एक सिचुएशन देते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यार मैं तो फंस गया, स्टक हो गया, अब मैं क्या करूँ। बिकॉज दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट दोनों चीज़ों में से आप एक ही कर सकते हो, आप दोनों नहीं कर सकते हो। बिकॉज यू कैन नॉट बी देयर सेम टाइम सेम प्लेस। आप एक ही टाइम पर दो जगह नहीं हो सकते या दो काम आप नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द टाइटल इटसेल्फ सेज डिफिकल्ट, कि मुश्किल से आप कोई फंस गए हैं कहीं। इसमें आपको जो प्रिपरेशन टाइम मिलता है वो 60 सेकेंड है। 60 सेकेंड के अंदर आपने क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, प्रिपरेशन भी करनी है, और 60 सेकेंड के लिए आपको स्पीकिंग का टाइम मिलता है। सो 1 मिनट टू प्रिपेयर एंड 1 मिनट टू स्पीक, तो ये 2 मिनट का टोटल आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यू हैव गॉन टू अ डिस्टेंट प्लेस फॉर द कंपनीज प्रेजेंटेशन। कंपनी की प्रेजेंटेशन के लिए आप ऑलरेडी कहीं गए हुए हैं। मीन वाइल यू गॉट अ कॉल फ्रॉम योर डैड हु टेल्स यू अबाउट योर ग्रैंडमदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन इसी बीच में क्या है, आपके पास आपके डैड की कॉल आती है और उन्होंने बताया कि आपकी ग्रैंडमदर की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। Your dad wants you to come back and meet your grandmother as she is serious. अब आपके डैड चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ और एक बार मिल लो अपनी grandmother से, क्योंकि वो बहुत serious हैं। But your presentation is also important. लेकिन अब आपकी presentation भी important है। Choose one, either convince your boss to postpone the presentation. या तो आपने boss को convince करना है कि presentation जो है वो postpone कर दे क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, या फिर टॉक टू योर डैड दैट यू कैन नॉट कम, या फिर आपने क्या करना है, अपने डैड से बात करनी है कि आप नहीं आ सकते। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें या तो आपको बॉस को मना करना पड़ेगा या डैड को, दोनों को ही मना करना मुश्किल है। डैड को नहीं मना कर सकते क्योंकि ग्रैंड मदर सीरियस है, बॉस को नहीं मना कर सकते क्योंकि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है और आप ऑलरेडी गए हुए हो वहाँ पर, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ही ऐसा है तो आपको करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई बीच का रास्ता नहीं ले सकते। बीच का रास्ता इज लाइक 50-50 नहीं कर सकते। आपने बोला कि चलो फटाफट से प्रेजेंटेशन ख़त्म करके मैं बस आ ही रहा हूँ, ठीक है, तो आप बीच का रास्ता ले ही नहीं सकते हैं। स्ट्रिक्टली आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा और आपको उसी को ही उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉल करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब या तो आप बॉस को मतलब बोलोगे कि हाँ ठीक है मैं नहीं आ सकता, पोस्टपोन जो प्रेजेंटेशन है वो पोस्टपोन कर दीजिए, उसको आप प्रॉपर रीज़न देके एक्सप्लेन करेंगे। 2 से 3 रीज़न आपने देने हैं, या आप डैड को मना करोगे कि मैं नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, कंपल्सरी है, ठीक है, 50-50 नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम शुरू कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन। अब ओपनिंग हम करेंगे, हेलो एडम, एडम है, या फिर आप अगर नेम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में नेम है तो आप सेम नेम लेंगे, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई नेम नहीं है आप अपने एंड पर कोई भी नेम ले सकते हैं, ठीक है ना। सो हेलो एडम, अगर डैड को कॉल करना है तो आप कैसे शुरू करेंगे, हाय डैड, दिस इज़ एलेक्स कॉलिंग। अब अगर आप बॉस को कॉल कर रहे हैं आप अपना नेम बता सकते हैं, डैड को कॉल कर रहे हैं सो दिस इज़ एलेक्स कॉलिंग की ज़रूरत नहीं, आप सीधा बोलेंगे हाय डैड आई एम कॉलिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ एलेक्स कॉलिंग, आई एम कॉलिंग टू शेयर समथिंग इम्पॉर्टेंट विद यू। एक्चुअली द थिंग इज, अ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप बताएंगे दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई डैड एंड ही टोल्ड मी दैट माई ग्रैंड मदर इज एक्सट्रीमली सीरियस, सो आई वॉन्ट बी एबल टू। फिर आप क्लोजिंग करेंगे, फाइनली आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड डू द नीडफुल। तो ये आपकी क्लोजिंग रहेगी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपकी सेम रहेगी, कोई भी टॉपिक आता है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है आपको इसको स्टार्टिंग में थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े। तो टैम्पलेट जब भी आप यूज़ करेंगे आपने समझ के और सिचुएशन के हिसाब से करना है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रटी रटाई लाइनें बोल दो।
ये समझ के कि क्या ये लाइनें लग सकती हैं या थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप समझ करके करते हैं तो टेम्पलेट हमेशा आपको बहुत अच्छा स्कोर देगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब जैसे इसमें लिखा हुआ चूज़ वन, चूज़ वन ऐसा नहीं है कि आपको कहीं क्लिक करना है इस पे या इस पे, ऐसा कुछ नहीं करना। जब आप बोलना शुरू करेंगे वहीं से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बोलना शुरू करते हैं, हाय एडम, बॉस को कॉल करनी है तो हम नेम से ही करेंगे, ठीक है ना। सो हाय एडम, दिस इज़ एग्लिक्स कॉलिंग। आई एम कॉलिंग टू शेयर समथिंग विद यू, समथिंग इम्पॉर्टेंट विद यू। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई डैड टुडे मॉर्निंग एंड ही टोल्ड मी दैट माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट कीपिंग वेल, सो आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द प्रेजेंटेशन टमोरो मॉर्निंग, या जब भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। अब आप उसके बाद आपने क्या करेंगे, आपने रीज़न देने हैं। जब तक आप 2 से 3 रीज़न नहीं देंगे तब तक आप ये मान के चलो कि आपका जो स्कोर है वो 8 या 9 पे नहीं जाएगा। अगर आपको 7 चाहिए तो आप एक रीज़न भी दे सकते हैं, अगर आपको 9 चाहिए तो मेक श्योर कि आपको 3 रीज़न देने चाहिए, 2 या 3, मिनिमम 2। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप 3 रीज़न दो कि आप क्यों चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन पोस्टपोन हो जाए। सो द वेरी फर्स्ट इज दैट माई ग्रैंड मदर इज़ एक्सट्रीमली सीरियस एंड वी हैव लॉस्ट होप, ठीक है, हमें अब कोई उम्मीद बची नहीं है, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि आप घर ले जाओ। सो आई वुड जस्ट लाइक टू गो, देन आई हैव बीन वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड मदर सिंस माई चाइल्ड हुड, शी इज़ द ओनली वन हु हैज़ टेकन केयर मी बिकॉज माई पेरेंट्स वर वर्किंग, तो मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे तो वही हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा देखभाल की है। एंड इवन इफ आई डोंट गो, अगर मैं नहीं भी जाता हूँ, आई विल नॉट बी दैट इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड आई वॉन्ट बी एबल टू गिव द प्रेजेंटेशन एट द ऑप्टिमम लेवल या एट माई बेस्ट परफॉर्मेंस। तो अगर मैं नहीं भी जाता हूँ तो मैं इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होऊंगा, बिकॉज आई नो आई कैन अंडरस्टैंड यू नो दैट शी इज़ सफरिंग द लाइफ एंड डेथ ओवर देयर, तो ऑब्वियसली मैं पोस्टपोन, मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं अच्छे से नहीं दे पाऊँगा, ठीक है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कैन पोस्टपोन द प्रेजेंटेशन, लेट मी गो सी हर एंड आई विल बी बैक आफ्टर अ कपल ऑफ डेज एंड ऑब्वियसली आई विल बी गिविंग द प्रेजेंटेशन विद माई फुल एनर्जी। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन पर्सनली टॉक टू द क्लाइंट एंड आई कैन रिक्वेस्ट देम टू पोस्टपोन इट फॉर अ फ्यू डेज। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपने डैड को कॉल करनी है तो आप डैड को कर सकते हैं। आप डैड को क्या बोलेंगे, हाय डैड, आई जस्ट रिसीव्ड योर कॉल एंड आई नाउ आई नो दैट माय ग्रैंड मदर इज़ नॉट कीपिंग वेल, बट द सिचुएशन इज़ लाइक दिस, आई एम ऑलरेडी आउट हियर फॉर द प्रेजेंटेशन एंड आई एम गोइंग टू हैव द प्रेजेंटेशन टुमारो मॉर्निंग एंड आई एम द वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैं इस प्रेजेंटेशन का इंचार्ज हूँ, तो अभी इसको छोड़ के आना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं छोड़ के आता हूँ तो कंपनी को काफ़ी बड़ा जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का $1 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है, वो कंपनी लूज़ कर देगी। और कंपनी अगर प्रोजेक्ट लूज़ करेगी तो उससे क्या होगा, तो वेरी फर्स्ट इज कंपनी मेरे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। सेकेंड क्या है कि अगर मैं ऐसे आता भी हूँ, I don't think so that grandmom will be happy because उन्होंने मुझे समझाया है like we should always give preference to work, work is worship, this is what she has always taught me। तो अगर उनको पता लगेगा कि मैं अपना कंपनी का काम बीच में छोड़ के आया हूँ तो वो खुश नहीं होंगे। सो वट आई डू इज़ आई अटेंड द प्रेजेंटेशन टमोरो मॉर्निंग एंड टमोरो इवनिंग आई कैच अ फ्लाइट और उसके बाद परसों जो है डे आफ्टर टमोरो आई विल बी देयर। और अभी मेरी बात हो गई है कज़न का कोई भी नाम लेकर के, मेरी एंड्रयू से बात हुई है और उसने मुझे बताया है कि ठीक है, थोड़ी सी स्टेबल है ग्रैंड मदर, सो आई होप कि अगर मैं 2 दिन के बाद भी आता हूँ तो सब ठीक रहेगा। अब आपने जो डिसाइड करना है कि आपने किसकी साइड लेकर के या किसको कॉल करनी है, तो आपके पास 60 सेकंड का टाइम होता है क्वेश्चन को रीड करने के लिए और समझने के लिए। तो आपने क्या करना है, आराम से क्वेश्चन को सब पढ़ना है, सिचुएशन को समझना और इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। इमोशनल डिसीजन लेने से क्या होता है कि आप बोलना शुरू कर देते हैं फिर आपको पता ही नहीं लगता कि मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है, और जब कोई रीज़न ही नहीं होगा यू विल गेट स्टक। तो कोशिश करो जैसे आपके पास प्रिपरेशन टाइम है क्विकली आप एटलीस्ट 2 रीज़न तो सोच लो, 3 सोच सकते हैं तो बेस्ट है, कम से कम 2 स्ट्रॉन्ग रीज़न होने चाहिए, उसके बाद आप बोलना शुरू करो। तो कभी भी इमोशनल डिसीजन आपने नहीं लेना है, राइट। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई फिर भी आपको डाउट आता है यू कैन राइट इट डाउन देयर इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रीड ऑल योर कॉमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। सो कीप लर्निंग विद मी, ऑल द बेस्ट।